ये पौंडीचेरी की कंप्लीट आइटनररी है 3 night 4 days की, जिसमें आपका पौंडीचेरी की फेमस प्लेसेस, ऑरोविल एंड महाबलीपुरम सब कवर हो जाएगा। सबसे पहले दिन आप सुबह स्टार्ट कर सकते हो रॉक बीच से। इवन थोड़ा जल्दी आकर सनराइज का भी मजा उठा सकते हो आप। रॉक बीच के पास है वाइट टाउन, जहाँ की ब्यूटीफुली पेंटेड वॉल्स के आगे फोटोज तो बनती है। औरबिंदो आश्रम भी वाइट टाउन में ही लोकेटेड है। 1926 में फाउंड हुआ ये आश्रम वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शंस है पौंडीचेरी की, जहाँ पे श्री औरबिंदो जी ने अपनी लाइफ के कुछ साल बिताए हैं एंड उनकी समाधि भी यहीं सेंट्रल कोर्टयार्ड में लोकेटेड है। और हाँ, पौंडी लेडी ग्रेफिटी के सामने फोटो क्लिक करवाना मत भूलना। वाइट टाउन से थोड़ी ही दूर पे ये मैडम मिल जाएंगी आपको, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना पौंडी लेडी ग्रेफिटी। इसके बाद आप आराम कर सकते हैं होटल पर जाकर, क्योंकि फिर 4 बजे आपको निकलना है ईडन बीच के लिए, जिसको यूएन ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस में से एक है। ईडन बीच पहुंचने में आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे एंड यहाँ आप अगर आपने स्कूटी रेंट करी है तो उससे भी जा सकते हो, एंड ये पूरी ट्रिप की सबसे सुंदर बीच होने वाली है। फिर वापस आकर आप बेकर स्ट्रीट जरूर जाएं। दो बेकर स्ट्रीट है, एक तो बसी स्ट्रीट पे है एंड एक गोबर्ट एव पे है। बसी स्ट्रीट वाली सबसे पहले ओपन हुई थी एंड मैं वही जाने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा वैरायटी एंड स्टॉक मिलेगा। नेक्स्ट डे आपको निकलना है ऑरोविल के लिए एंड आपने अगर स्कूटी रेंट की है तो उससे भी जा सकते हो आप, वरना कैब तो है ही। ऑरोविल एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जहाँ पे ह्यूमन यूनिटी एंड सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। यहाँ का फेमस मातृ मंदिर टेम्पल यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। फिर वापस आते हुए ऑरो बीच जरूर जाएं, ये रास्ते में ही पड़ता है एंड पौंडीचेरी टाउन से थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ पे भीड़ कम रहती है, तो आप यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर वापस पौंडीचेरी पहुंचने के बाद आप शाम को हॉट ब्रेड जरूर जाएं। इस बेकरी पर आपको फ्रेंच क्यूजींस बहुत ही सस्ते रेट में मिलेंगे एंड टेस्ट भी एकदम टॉप नॉच होगा। नेक्स्ट डे महाबलीपुरम के लिए जाएं आप, कैब कर सकते हैं या फिर पौंडीचेरी के मेन बस स्टैंड से डायरेक्ट बस जाती है महाबलीपुरम के लिए, जिसका नॉन एसी का टिकट 91 रुपीज का है बस। महाबलीपुरम में आपको फेमस शो टेम्पल, कृष्णास बटरबॉल, अर्जुन पेनेस, 5 रथास एंड और भी सेंचुरीज ओल्ड मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे, जिन्हें देखकर आप प्राउड फील करोगे। वापस जाने के लिए जहाँ पे आपको बस ने उतारा था वहीं से बस मिल जाएगी। फिर शाम को रॉक बीच पे ही GMT आइसक्रीम, जो कि मेरी लाइफ की अब तक की बेस्ट आइसक्रीम्स में से एक है, उसका मजा उठाते हुए यहाँ के क्राफ्ट बाजार जा सकते हो, जो कि गांधी स्टैचू के पास लोकेटेड है एंड आप यहाँ से सोवेनियर्स की शॉपिंग भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे टेम्पल्स। सबसे फेमस एंड सबसे ज्यादा सुंदर टेम्पल अरुलमेगु मलाकुला विनयगर टेम्पल, ये गणेश जी का टेम्पल है। और कोई टेम्पल जाए ना जाए, ये वाला टेम्पल जरूर विजिट करना। यहाँ की सीलिंग पे पेंटिंग्स एंड यहाँ का गोल्डन इंटीरियर आपको अम्यूज कर देगा। इसके बाद वृद्धराज पेरुमल टेम्पल, ये विष्णु जी का टेम्पल है एंड इसके भी बहुत मान्यता है। नेक्स्ट टेम्पल हमारा दुर्गा माता जी का टेम्पल है, कामाक्षी अम्मन टेम्पल। ये सारे टेम्पल्स बहुत पास हैं, आप एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल वॉक करके भी जा सकते हो। टेम्पल्स देखने के बाद जो यहाँ के फेमस चर्च है वहाँ पे भी जाएं आप। पहला चर्च है इमैकुलेट कंसेप्शन कैथेड्रल। इसके बाद जो अपनी सीलिंग के लिए फेमस है आर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च। ऑल्सो पौंडीचेरी में यहाँ का म्यूजियम भी है, जहाँ पे आपको इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, फ्रेंच हिस्ट्री एंड और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। म्यूजियम का टिकट बस 10 रुपए का है। ये था आपका पौंडीचेरी का 3 nights and 4 days का कंप्लीट टूर प्लान, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर ली है। एंड अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है जिसमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड इन प्लेसेस पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इस वीडियो पे क्लिक करो एंड सब्सक्राइब करो प्लीज। जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो, क्योंकि जब मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पे देखता हूँ तो मेजोरिटी ऑफ लोग अनसब्सक्राइबर्स होते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। लाइक करना एंड शेयर करना, आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी।